जहानाबाद के मखदुमपुर में सागरपुर मोड़ से उत्तर गैस एजेंसी के बगल में शिक्षा का एक और शानदार संस्थान डिवाइन ओरिजिनेशन स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। 29 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा डिवाइन ओरिजिनेशन स्कूल का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर हेरिटेज सोसाइटी बिहार के महानिदेशक अनंताशुतोष द्विवेदी, SSB कमांडेंट दिल्ली अनिल कुमार के साथ साथ अनेक गणमान्यों की गरिमामय उपस्थिति होगी। इसके लिए सागरपुर मोड़ से उत्तर गैस एजेंसी के बगल में विद्यालय कैंपस में शानदार कार्यक्रम का आयोजन होगा। शुभारंभ से पहले विद्यालय के निदेशक कुंदन प्रभाकर ने सभी को आमंत्रित किया। कुंदन प्रभाकर ने कहा कि डिवाइन ओरिजिनेशन स्कूल में बच्चों का ख्याल रखते हुए, अभिभावकों का ख्याल रखते हुए वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है जिसकी मखदुमपुर में सख्त जरूरत थी, जिसके माध्यम से बच्चे शानदार शिक्षा ग्रहण कर निश्चित तौर पर सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। इस मौके पर डायरेक्टर कुंदन प्रभाकर ने कहा कि फरवरी तक नामांकन लेने वाले बच्चों को विशेष छूट के तहत निशुल्क रखा गया है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। यहाँ 29 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी, डीजी हेरिटेज श्री अनंता आशुतोष आनंद जी हैं, SSB कमांडेंट दिल्ली श्री अनिल कुमार जी हैं, इन सभी गणमान्य लोगों के उपस्थिति में इस डिवाइन ओरिजिनेशन स्कूल का उद्घाटन होने जा रहा है। और मैं कुंदन प्रभाकर, निर्देशक डिवाइन ओरिजिनेशन स्कूल, जो कि सागरपुर मोड़ से 100 मीटर आगे में उत्तर में स्थित है, और इसका उद्घाटन 29 दिसंबर को होने जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं आपके स्कूल में? इस स्कूल में देखिए, ऐसे तो बहुत सारे स्कूल हैं और सभी जगह कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ जो हम लोग दे रहे हैं वो तो सबसे पहले कि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों पर साइंस लैब नहीं होता है, और हम यहाँ प्रॉपर किट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और किट पहना करके लैब के अंदर में और ले जाएंगे और बिल्कुल उससे प्रैक्टिकल करवा करके और देखेंगे। साथ ही साथ हम दे रहे हैं बच्चों को कंप्यूटर लैब, ऐसे तो ये दिया ही जाता है सभी स्कूल में, लेकिन हम उसको एक सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे, और प्रॉपर सैटरडे को एक वर्कशीट हम दे रहे हैं, ताकि ये गार्जियन क्या होता है कि बच्चों को स्कूल के अंदर में एडमिशन करवा देते हैं और ये सोचते हैं कि बाकी की जिम्मेवारियां बस शिक्षक की हैं, लेकिन हम वर्कशीट के माध्यम से गार्जियन को पढ़ाना चाहते हैं, गार्जियन को अवेयर करना चाहते हैं, ताकि गार्जियन भी उस जो अपना टाइम का 15% टाइम जो है सैटरडे को केवल देंगे, और अपने टोटल जो 7 दिन वो बच्चा काम करेगा उसमें 15% जो है वो अपना एफर्ट लगाएंगे बच्चे के साथ। उसमें पीछे उस बैक साइड में जो वर्कशीट दिया जाएगा, बैक साइड में जो है वो गार्जियन के लिए भी वर्क होगा, और वहाँ रिमार्क्स भी देंगे और फीडबैक भी देंगे कि क्या हमारा बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और वो किस तरीके से कितना पढ़ पा रहा है। तो ये वर्कशीट की सुविधा दी जा रही है यहाँ। और चूँकि आपका शुभारंभ हो रहा है तो नामांकन लेने वाले बच्चों के लिए क्या विशेष छूट है? नामांकन जो भी बच्चे अभी ले रहे हैं फरवरी तक, हम उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एडमिशन फ़ी बिल्कुल कर दिए हैं, मिसलेनियस चार्ज बिल्कुल फ्री कर दिए हैं, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, जितना भी प्रकार का जो कुछ भी सुविधा है ये सारा फ्री कर दिया जा रहा है। और जो बच्चे अभी फरवरी तक एडमिशन लेते हैं उनको, वो बच्चे जब तक हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, जैसे अगर वो बच्चे जो नर्सरी में लिए हैं और अगर ये स्कूल 12th तक जाएगी, अभी तो हम लोग 8th तक एडमिशन ले रहे हैं, और वो 10th में भी चले जाएंगे तब भी हम उनको फ्री देंगे, लेकिन आफ्टर 28 फरवरी के बाद अगर वो हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं उसके बाद उनको इस चीज़ का चार्ज दिया जाएगा, उनसे चार्ज लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के अभिभावकों को? देखिए, इस इलाके में ज़्यादातर, ये तो चूँकि अभी क्षेत्रीय है तो लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस उतना है नहीं, कुछ पूंजीपति लोग हैं जो अवेयर हैं बच्चों के शिक्षा को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी सक्षम नहीं है CBSE स्कूल से पढ़ाने, बहुत सारे गार्जियन हैं जो अभी सक्षम नहीं है इस तरीके से इस प्रकार की शिक्षा को लेकर के, इसलिए बहुत ही कम फी में और बहुत ही मतलब अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स, जैसे हमारे यहाँ जो फिजिक्स वगैरह के टीचर हैं वो जयपुर से आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स जहानाबाद से भी हैं, पटना से भी एक जुड़े हैं जो CA हैं, और अच्छे टीचर्स को हम यहाँ कलेक्ट किए हैं, और बहुत ही कम फी में और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा को लेकर के आए हैं। और बाकी आगे क्या करते हैं और कितना यहाँ के गार्जियन हमें सपोर्ट करते हैं, कितना हम पे ट्रस्ट कर पाते हैं और हम उनके साथ क्या करेंगे, ये तो आगे वक्त बताएगा और ये हमारी कार्य बताएगी।